नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 पास हो गया है। इस विधेयक में जम्मू कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा बनाने का प्रावधान है। ये विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अध्यादेश का स्थान लेगा जो पिछले महीने जारी किया गया था। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने फिर दोहराया कि समय आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जरूर दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने विपक्षी नेताओं द्वारा पूछे गए एक एक सवालों का जवाब दिया। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ओवैसी साहब अफसरों का भी हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं, क्या एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता या हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता। शाह ने कहा कि ये अफसरों को हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं और खुद को सेक्युलर कहते हैं। गृह मंत्री ने ओवैसी की टिप्पणी पर कहा कि असदुद्दीन कश्मीर में 2G से 4G इंटरनेट सेवाएं विदेशियों के दबाव में बहाल नहीं की है। उनको पता नहीं है कि ये UPA सरकार नहीं जिसे वो समर्थन करते थे, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। इसमें देश की सरकार, देश की संसद देश के लिए फैसले करती है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के अधीररंजन चौधरी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करते हुए और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को लागू करते हुए सरकार ने पूरे देश को सपना दिखाया कि जम्मू कश्मीर में रोजगार, पर्यटन के अवसर आदि मिलेंगे और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन लगभग 1.5 साल हो गया है और राज्य में अभी तक हालात सामान्य नहीं है और आतंकवादी की घटनाएं जारी हैं। वहां लोगों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। इसका जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि अभी तो 370 को हटे हुए केवल 17 महीने हुए हैं, आपने 70 साल क्या किया उसका हिसाब लेकर आए हो क्या? अगर आपने ठीक से काम किया होता तो आपको हमसे ये पूछने की जरूरत नहीं होती। शाह ने कहा कि हमने साल 1950 का वादा पूरा किया। उन्होंने कहा कि 370 के समर्थक चुनाव हार गए। हमारी सरकार आने के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायती राज की शुरुआत हुई है। पहले जम्मू कश्मीर में 3 लोग परिवार के लोग ही शासन कर रहे थे, इसलिए वो अनुच्छेद 370 के पक्ष में रहते थे। अमित शाह ने बताया कि दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर की निचली पंचायत के चुनाव हुए जिसमें 74% लोगों ने मतदान किया। कश्मीर के इतिहास में इतना मतदान कभी नहीं हुआ था। वहां करीब 3,650 सरपंच निर्वाचित हुए, 33,000 पंच निर्वाचित हुए। अब वहां राजा रानी के पेट से नेता नहीं बनेंगे, वोट से नेता चुने जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।